हे गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। बड़े होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। गाइस, आज हम जा रहे हैं दिल्ली की सबसे सुंदर जगह, सुंदर नर्सरी। बहुत सुना इसके बारे में, सुंदर नर्सरी फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी जगह है। बहुत अच्छा वहाँ पे लेक है और आपके फ्लावर्स पूरे, बहुत अच्छा पार्क है। मतलब पार्क है एकदम, बहुत अच्छी जगह है वो। वहाँ जाते हैं, आपको प्रॉपर दिखाता है डिटेल में कि क्या टिकट प्राइसेज होंगे, क्या टाइमिंग होती है, क्या सब कुछ होता है। बस मैं रेडी हो चुका हूँ, चलते हैं वहाँ जाकर, अच्छी फोटोज़ भी खींचते हैं और आपको दिखाते हैं प्रॉपर कि क्या क्या सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। मतलब क्या क्या आप देख सकते हो, घूम सकते हो, क्या टिकट प्राइसेज है और क्या टाइमिंग है, सब कुछ। ठीक है, चलो चलते हैं। बस स्कूटी की चाबी ले ली मैंने और निकलते हैं मैं और लक्की फटाफट। और गाइस, यहाँ पहुँच चुका हूँ सुंदर नर्सरी पे। आपके पार्किंग दिखा देता हूँ, पार्किंग की साइड पड़ेगी आपकी। और गाइस, देखो आपको सामने कोई मॉन्यूमेंट है, उसके सामने ब्लू कलर की साइड में पार्किंग पड़ेगी। टू व्हीलर की पार्किंग है और फोर व्हीलर की पार्किंग आपको उधर है। टू व्हीलर की आपके चार्जेस होंगे 30-40 रुपये के आसपास, ऐसी है। मतलब 30-40 रुपये का, 20 रुपये आपके स्के हैं पर आर के हाथ से और बाकी आपके स्के हैं 50 रुपये पर आर के हाथ से। ठीक है, उसके आगे आपको पड़ेगा सीधा यहाँ से जाते हुए सुंदर नर्सरी। आपको दिखाता हूँ बाकी, ये मेन रोड आपकी आ रही है और ये आपको सीधा जाकर पड़ेगा कुछ सुंदर नर्सरी का रास्ता। यहीं से, यहीं से आपको आगे जाकर पड़ेगा हमारे डैम। हमारे डैम की वीडियो आपको आएगी, देखा आपको दिख रहा होगा प्रॉपर जो सारी चीज़ें होती हैं सब यहाँ लिखा हुआ है। बाकी आपको डिटेल अंदर जाके देता हूँ प्रॉपर जब गेट पे पहुँचते हैं। और गाइस, ये सामने आपका आ गया मेन गेट, जो मेन गेट है आपका सुंदर नर्सरी का इस साइड। बाकी आपको टिकट से प्राइस दिखाता हूँ वहाँ पहुँच के मैं प्रॉपर आपको। बाकी आपको रिक्शा वगैरह सब मिल जाएगा यहाँ पे, कोई दूर नहीं है। मतलब ऐसी जगह सुनसान जगह नहीं है, सब रास्ता है। ये आपकी मेन एंट्री है यहाँ से आपकी मेन एंट्री गाइस, यहाँ से आपकी मेन एंट्री सारे गेट से। ये आपका टिकट काउंटर आपको दिख रहा होगा साइड में। टिकट प्राइसेस है 50 रुपये दिख रहा होगा आपको। दो टिकट लिए हमने, 50 रुपये की पर बंदे की पड़ी है दिख रहा होगा। तो मतलब दो टिकट 100 रुपये की पड़ी है आपकी। बाकी अलग अलग प्राइसेस है तो 5 रुपये दिखा देता हूँ। ये दिखा होगा फॉरनर्स के अलग है, चिल्ड्रंस के 25 रुपये हैं और नॉर्मल 50 रुपये हैं और वैसे 25 रुपये हैं सीनियर सिटीजन के लिए। बाकी आप पैकेज भी ले सकते हैं एनुअल पास वगैरह। यहाँ से आपकी एंट्री, सामने को दिख रहा होगा पूरा व्यू कि कैसा पूरा पार्क टाइप है मेरा। ये इसी को पूरा सुंदर नर्सरी जो फेमस है फोटोग्राफी के लिए, हर चीज़ के लिए, वीडियो शूट के लिए सबसे बेस्ट जगह है। आपको दिख रहा होगा प्रॉपर फ्लावर्स बहुत सारी जगह है इसमें घूमने फिरने के लिए, फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी जगह है। आपको दिखाता हूँ कोई ना कोई चीज़ दिखती है। एक सामने मॉन्यूमेंट पड़ता है आपका बिल्कुल। अगर इस एंट्री में आपको ये फाउंटेन दिख जाएगा जो भी बहुत ज़्यादा धीरे चल रहा है, तो ऐसे चलता है हनल खोलने वाला। अच्छा, खोल देगा सरकार, हाँ पक्की बात है। हाँ, नल खोल देगा वाला कह रहा है सामने, नल क्या वही पाइप लगी हुई है। बाकी आपकी एरी और सामने आपका बिल्कुल सुंदर नर्सरी का जो मेन है मॉन्यूमेंट, और आप फोटोग्राफी के लिए आपको बाकी आगे ले जाते हैं। डू नॉट टच, सेफ टू। हाँ, कभी ये नहीं कि पानी का तुम पी दो। हाँ, लोग क्या करते पानी को पीना चालू कर देते ना, ये बंदे पानी पीना चालू कर देंगे फिर, ये ना पानी पीना चालू कर देंगे जैसे बंदे। ओ तात में अनुना पता चीता दिजल कौन दे साथ में जादू औतात में, औतात में। तो बस घूम रहे आप, देखो एक तो वाइब अच्छी है वैसी, फूल फ्लावर्स वगैरह बहुत है, पिकनिक के लिए बेस्ट जगह है। आपको बता रहा हूँ, ये लिखा हुआ है एंट्री जोन वेटिंग फॉर्मल गार्डन। देखो सब इसकी इंफॉर्मेशन लिखी है, आप पढ़ सकते हो। बाकी सारी लिखी हुई है एंट्रेंस जोन जो आपको यहाँ से वहाँ दिख रहा है सामने, है ना, वही सारी चीज़ है। बाकी आप यहाँ पे लेक कैफ़े भी है, लेक कैफ़े भी दिखाता हूँ आपको मैं। भाई जी, सारे फ्लावर्स है, देखना फूलों का ही मेन है करेक्टर। आपको दिख रहा होगा सामने इतने फूल है, ये आपको फूल दिख रहे हैं सारे, ये रहे फूल। अब वैसे बहुत फूल है ना, एक फूल तो है काला गुलाब। चुप, बिल्कुल चुप। और गाइस, ये सामने स्टेज है, आपको दिख रहा होगा स्टेज ही रखी है, परफॉर्मेंस होती रहती है यहाँ पे। मतलब कुछ करना, जो कल्चर प्रोग्राम होते रहते हैं तो चक्ले स्टेज बना रखा है यहाँ पर बैठने के लिए, देखिए सर में बैठने के लिए और बाकी बीच में स्टेज का। ये ब्राउनी, हाँ ब्राउनी है। सामने आपको वो दिख रहा है, टॉम दिखा रहा था मैं, बाकी वो पास जाके दिखाता हूँ। बाकी यहाँ पे कोई पिकनिक के लिए सब जगह है, बाहर का खाना अलाउ है यहाँ पे, पूरा बाहर का खाना अलाउ है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। पिकनिक लोग करने आता है स्पेशली यहाँ पे, आराम से अपनी जैसे लोग बैठे हैं बीच में दिख रहा होगा, बहुत सारे लोग बैठे हैं पिकनिक के लिए, बेस्ट जगह है सबसे बेस्ट जगह। बस ये सुंदर ब्रिज सामने को दिख रहा होगा, ये वाला सामने सुंदर ब्रिज आपको, ये इसकी इंफॉर्मेशन पूरी लिखी हुई है यहाँ पे, क्या क्या चीज़ होगी, लाइटिंग रात के टाइम पे कैसी होती है सबको दिख रही होगी। अभी तो लाइटिंग दिखेगी नहीं कुछ भी, रात में पूरी लाइटिंग से एकदम दिखता है, लेकिन पेंट इतना नहीं हो रहा, काला इतना पड़ा हुआ है नक्शे। और वैसे हैवल वालों ने कर रखा है, और किसका है, एम्बेसडर फंड ऑफ कल्चर प्रोविजन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कर रखा है उसको, जो भी सपोर्टेड, हाँ लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ कुछ पेंट वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, इसको थोड़ा होना चाहिए, अगर टिकट प्राइस ले रहे हैं तो साफ़ सुथरा होना चाहिए ऐसी चीज़ें। बाकी तो अच्छा है, घूमने फिरने के लिए पूरी दिख रही होगी आपको।
दूर तक फोटोग्राफ के लिए बेस्ट है, बाकी हम भी फोटो खिंचवाते हैं। गाइस यहाँ घूम रहे हैं, अचानक मौसम सही था, अचानक धूप निकाली है लक्ष्य, अचानक धूप निकाली बहुत तेज, अब गर्मी लग रही है हल्की हल्की, स्टाइल हो गया बहुत ज़्यादा। बस अब नॉर्मल दिखाते हैं आपको, यहाँ तो आपको पूरा गार्डन वार्डन दिखा दिया, गार्डन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा गार्डन है, मतलब फैमिली के लिए बहुत अच्छी जगह है, कपल्स के लिए बहुत अच्छी जगह है, बैठने के लिए पिकनिक करो, मतलब बाहर का खाना सब कुछ अलाउ है, टिकट ज़्यादा है नहीं, ये तो नहीं टिकट मना करेंगे। अभी सब देखो प्लांट्स बहुत सारे हैं यहाँ पर, दिख रहा होगा आपको ये जो प्लांट्स, कितने सारे प्लांट दिख रहे हैं आपको, दिख रहे होंगे अलग तरह के, मतलब हमें तो आइडिया है नहीं फूलों का, बाकी तो कोई सारे मुरझाए हुए हैं, गमले रखे हैं यहाँ पे, ये भी कुछ होंगे दिखाता हूँ, सामने दिख रहे हैं ये सब मुरझाए हुए हैं, सामने दिख रहे हैं बहुत सारे गमले, बहुत सारे दूर दूर तक देखो कितने सारे गमले, ये देखो गमले कितने सारे हैं दूर दूर तक। अब ये भी मौसम के ऊपर होती है हर चीज़, अब ठंड हो रही है, खैर गर्मी में इनकी फूलने फूल निकल के आए फूल्स वगैरह, क्योंकि बहुत लंबा गार्डन देखो, और गार्डन वगैरह समूचा रहते हैं यहाँ पे, माली वगैरह आपको दिख रहा होगा पूरे में, बाकी वो आपका आगे जाके पड़ती है झील, वो झील दिख रही है आपको, आपको वहाँ ले जाता हूँ, बाकी यहाँ सारा नॉर्मल है, दिख रहा होगा आपको, दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे सारे प्लांट्स वगैरह बहुत सारी यहाँ पे अभी हो रही है, देखो फूल धीरे धीरे उग रहे हैं, क्योंकि गर्मियों में ये गर्मियों के मौसम में फूल होते होंगे, गर्मियों के टाइम से फूलते होंगे, धीरे धीरे करके ये दिख रहा होगा सामने आपको, लाल पीला निकला फूल, वैसे एक सामने कौन मॉन्यूमेंट है, एक तो आपका वहाँ था उस साइड जो आपको दिखाया था मैंने एंट्री में बिल्कुल, और एक आपका सामने ये है मॉन्यूमेंट, ये बहुत बड़ा है, ये भी पास जाकर प्रॉपर दिखाता हूँ आपको, बाकी ये साइड में आपकी आ गई लेक, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है आपको ये आपकी लेक है, और उसके बगल में लेक के बगल में आपका है लेक कैफे एक बहुत अच्छा, वो भी आपको पूरा इंट्रोड्यूस करता हूँ, पहले आपको यहाँ का दिखाता हूँ मैं। आपका इससे की लोकेशन लिखी नहीं, शायद मैं वही देख रहा हूँ डिस्क्रिप्शन का ये लिखा हूँ, बाकी ऊपर ऊपर मकबरा टाइप ही है, ऊपर की एंट्री है, उसे आपको एंट्री करके दिखाता हूँ कि अंदर क्या चीज़ है क्या नहीं है, ये ऐसे आपकी एंट्री है, दिख रहा होगा सीढ़ी ऊपर ऊपर जा रही है ऊपर 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 से, चलो ऊपर चल के देखते हैं, दिख रहा होगा इस साइड पूरा, मतलब कोई है रेनोवेट वगैरह नहीं हो रखा, बाकी तो यहाँ गेट तो नया टाइप लग रहा है, इसके अंदर अलाउ है जाना, हाँ अलाउ है, लोग जा रहे हैं इसके अंदर, देखते कहाँ से, लेकिन यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, लव वगैरह के साइन करने की इच्छा ये सब का, लोकेशन बहुत अच्छी है, मतलब ऐसे लेके चलोगे तो आप, देख रहे हैं आपको इस साइड भी करो गेट वगैरह अंदर से अच्छा लगा पूरे में, आपको ये अंदर से रास्ता है, अंदर से पूरी चीज़ है, देखो पूरा उर्दू में लिखा हुआ दिख रहा है आपको, सब कुछ उर्दू में लिखा हुआ है, सारी चीज़ें पूरा मकबरा टाइप है आपको, गोल में दिख रहा होगा, फिर आपको फाइव में दिख रहा होगा पूरी चीज़, ये लगे है कुछ नहीं यहाँ पे, इतना नॉर्मल ही है, नॉर्मली देख के चलो तो नॉर्मल ठीक सही है, बाकी फोटोग्राफी के लिए बस जगह है, अंदर कपल वगैरह खड़े हुए थे तो फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी जगह है इस साइड, बाकी आपको जल्दी चलते हैं अब लेक की तरफ, लेके लक्की जी को आ गए, आओ भाई आ जाओ जल्दी आ जाओ, बस अब आपको दिखाते हैं आपको लेक का आगे पूरा सीन, हो गई है दिख रहा है आपको लेक पूरी है, दूर दूर तक तो बहुत बड़ी लेक है आपको, मतलब आस पास आप बैठो आराम से अपने पिकनिक के लिए, सब अलाउ है, लेकिन लोग बैठे हैं इसे दिख रहा होगा साइड में लगा के बैठे हैं आराम से मैट पर बिछा के पूरे पिकनिक के हिसाब से, पूरी जगह लेक ही देखिए आपको, ये दूर दूर तक वहाँ भी आपका पूरा लेक है, लेक मतलब आर्टिफिशियल लेक ही है, वैसे कोई पक्की वाली नहीं है, पूरी आर्टिफिशियल है, लेकिन नेचर के हिसाब से वाइब लेनी बहुत चीज़ लगी है आपको, पूरी पूरी दिखी होगी आपको दूर दूर तक, वो देखो दूर दूर तक कितनी बड़ी लेक है, फोटो वही कह रहे फोटोग्राफी के लिए वैसे चीज़ के लिए बहुत बेस्ट है, एक ट्री है बहुत बड़ा आपको दिख रहा होगा साइड में, बाकी लेके चलते हैं आपको हम उस साइड जो कैफ़े हैं उस कैफ़े में, लेक दिखी होगी आपको कितनी लंबी, और ये सामने आपका है था लेक कैफ़े, दिख रहा होगा ये आपका लेक कैफ़े है, इसमें देखते हैं कहाँ से एंट्री है लेक कैफ़े की, अगर होगी तो आपको दिखाता हूँ मैं, शायद उस साइड से बैक साइड में, यहाँ जाके देखते हैं आपको, पेड़ कितना ख़तरनाक सा लग रहा है वाला, शायद ये टूट के गिरा है, हाँ शायद पता नहीं गिरा है क्या चीज़ है, बहुत ख़तरनाक है ये, ऐसा था अलग हो गया वो अलग हो गया इससे अलग हो गया, ये बहुत ख़तरनाक लग रहा है चीज़ देखने में, बाकी आपका कैफ़े आ गया है इस साइड, कैफ़े की एंट्री देखते हैं
कि क्या प्राइसेस है क्या नहीं है, आपको बता देता हूँ। अगर आपके लिए बजट में होगा तो आप ज़रूर बैठना, बाकी फ़ायदा कुछ नहीं है, बस सबसे बेस्ट बता रहा हूँ। साइड में लगाओ अपना, मैं पिकनिक टाइप में वो वहाँ पर बैठ करूँगा यार, कैफ़े में बैठना खाने का अच्छा। तो ये हो गया फैब कैफ़े इंस्पायर इंडियन बिस्ट्रो, ये आपका मेन्यू वगैरह थोड़ा लिखा नहीं आपको दिखाऊँगा, बाकी आप ऑनलाइन देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर मेरे को मिल गया कहीं गूगल की तरफ से तो आपको मेन्यू लगा दूँगा एक बार, आप रेट भी देख लेना। बाकी आपकी एंट्री मेन यहाँ से, यहाँ से दिख रहा होगा, ये आपकी मेन एंट्री यहाँ से बिल्कुल, और साइड में आपका पूरा वही जो था वहाँ निकलने का रास्ता साइड से भी है, बस बाकी तो नॉर्मली है इस साइड पूरा। गाइस आपको ये आ गया सुंदर नर्सरी का किड्स एरिया जो है, आपको राइड्स वगैरह झूले वगैरह मिल जाएंगे बच्चों के लिए, दिख रहा होगा आपको अंदर साइड, लेकिन यहाँ से रास्ता बंद है, शायद कहीं और से खुला होगा, ये बंद ही पड़ा शायद, ये दिख रहा होगा ऊपर साइड आपको होगा, दिख रहा है आपको दूध उधर एडवेंचर करने के लिए, इसके प्राइस आपको 20 रुपये रखे गए हैं चिल्ड्रंस के लिए, ये भी आपको देख रहे होंगे फूल वगैरह, तो आप कर सकते हो अपने बच्चों बच्चे लेके आओगे तो, बच्चों बच्चों को लेके आ रहा तो सबसे बेस्ट जगह है, 20 रुपये लेगा आपसे, और बाकी एडवेंचर करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, 20 रुपये को ज़्यादा अमाउंट नहीं है, आप ला सकते हो बच्चों बच्चे के लिए भी, देखो जगह चीज़ मिल गई है, बाकी फोटोग्राफी के लिए तो बहुत सारी जगह है, आपने आ सकते हो फैमिली के साथ पिकनिक विकनिक के लिए, कुछ होगा मोन्यूमेंट टाइप ही। गाइस ये वाला पेड़ देखना एक बार कहाँ से निकला है, पता नहीं इस पॉइंट में जाके निकला है घुसा है उसमें कुछ भी, क्योंकि बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ हो रखी है, क्योंकि मोन्यूमेंट टाइप ही है इसके अंदर ही। बाकी आपका ये सेल्फी पॉइंट बना रखा है उन्होंने सेल्फी वगैरह खींचने के लिए, बाकी पूरा नॉर्मल वही पार्क है पूरा आगे तक, यहीं से रास्ता सीधा जाने का है वापस, तो बाहर निकले साइड निकलते हैं अपना, बस फूड कार्ट है, फूड कार्ट टाइप है यहाँ पे आपका, सामने थोड़े राइट से वाला रखे हैं और एक मोन्यूमेंट सामने और है दिख रहा होगा आपको, बाकी यहाँ के खाना रेट जो मिला है नॉर्मल रेट है, वाला रेट ज़्यादा नहीं है। और बाकी यहाँ भी आपको कुछ है इस साइड देखते हैं, लिखा हुआ है पिक्चर्स ऑफ इट्स चेंजेस कि पहले कैसे था अब कैसा हो गया यहाँ पे, आपको पूरा घुमा दिया मैंने सुंदर नर्सरी। बस ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक कमेंट शेयर शेयर सबने सब दोस्तों कर दोगे जब तुम आना चाहते हो दोस्तों को, अपने ग्रुप्स होते हैं लड़कियों देख रही है तो लड़कियों का ग्रुप होगा, लड़कियों को तो लड़कियों का ग्रुप होगा, लड़के तो आएंगे नहीं, लड़के तो आएंगे कपल के साथ ही, तो इसलिए आना दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ आना, फैमिली के साथ अच्छी जगह है, क्या हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है अच्छी तरह। चलो आपको मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, और सब्सक्राइब कर लो चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है बाय।